दशकों से धर्म की राजनीति कर रही भाजपा अयोध्या के राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता की दहलीज पर मजबूत किरदार निभा रही है। राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को 2024 चुनावी लक्ष्य बताकर भाजपा एक बार फिर सियासी रण में उतर चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन बनाकर भाजपाई खेमे पर निशाना साध रही है तो भाजपा कांग्रेस के 70 सालों के इतिहास को मुद्दा बनाए हुए है। यूपी समेत देश भर की राजनीति में धर्म को आगे रखकर चल रही भाजपा अब अयोध्या फतेह के बाद काशी मथुरा की सियासत गरमाने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृष्ण नगरी दौरा इसी सियासत को आगे बढ़ाने का संकेत नजर आ रहा है। 23 नवंबर को मथुरा के ब्रज रज महोत्सव में पहुंच रहे पीएम मोदी बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में है। बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद से राम मंदिर बनाने का बीड़ा उठाए भाजपा कई बार सत्ता के शिखर तक पहुंची है। अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो विपक्षी नेताओं को कोस रही भाजपा उनके इतिहास पर सवाल उठाकर टीस पैदा कर रही है। दशकों से भाजपा के चुनावी एजेंडे में अयोध्या, मथुरा और काशी शामिल रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को देश भर में प्रचारित किया जा रहा है। चाहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हों या फिर भाजपाई खेमे की कोई बड़ी जनसभा या फिर संकल्प पत्र, सभी जगह भाजपा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। वहीं अयोध्या के साथ समय समय पर काशी और मथुरा को भी अगला सियासी टारगेट बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। अयोध्या मंदिर निर्माण के साथ साथ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अतिक्रमण को चुनावी सभाओं का हिस्सा बनाया जा रहा है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रहे हैं। यदुवंश का हवाला देकर अखिलेश यादव ने कई बार जन्मभूमि मुद्दे पर सरकारों को घेरा है। अब ऐसे समय में जब देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है तब भाजपा मथुरा वृंदावन को विशेष तरहीज दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज रज महोत्सव में शामिल होकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रहे हैं। पीएम मोदी के 23 नवंबर को मथुरा के ब्रजरज महोत्सव में शामिल होने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मथुरा पहुंचे पीएम मोदी ने पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन पूजन किया और इसके बाद ब्रजरज महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। 40 मिनट तक जनता को संबोधित करके पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि मथुरा अब भाजपा का अगला चुनावी टारगेट होगा। मोदी ने मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया, साथ ही सिक्का भी जारी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव की गोटियां बिछा रही भाजपा अब मथुरा और काशी के मुद्दों को बड़े पैमाने पर चुनाव में लाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी के साथ सीएम योगी भी भाजपा की इस मुहिम में जुट गए हैं। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर समेत कई बड़ी सौगातें देकर योगी ने भी कृष्ण नगरी को चमकाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की तर्ज पर मथुरा वृंदावन भी भाजपा के चुनावी एजेंडे में पहले से शामिल था। भाजपा पहले अयोध्या को आगे लेकर चल रही थी, अब मथुरा की बारी है। सियासी गलियारों में भाजपा के इस कदम की चर्चा भी तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के दौरे के साथ भाजपा मथुरा को लेकर देश में किस तरह का सियासी माहौल पैदा करना चाहती है जो भाजपा के लिए चुनाव में फायदेमंद साबित हो।